अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जिसमें क्या हो बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या ले रहे हैं अब यहाँ पर हम, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ओके, तो देखो यहाँ पर जब बाइडेंटेट लिगेंड्स जो है, तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड्स, पहली कंडीशन हम तीन कंडीशन में लेंगे, तीन बाइडेंटेट लिगेंड्स वाले, दो बाइडेंटेट लिगेंड्स वाले और एक बाइडेंटेट लिगेंड्स वाले। तो देखो जब तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड्स हो और कॉम्प्लेक्स इस तरह का हो, MAA3, दूसरा है MAA2BB या MAA2AB, मतलब तीनों लिगेंड्स एक से हो, दो लिगेंड एक से और दो जो है तीसरा डिफरेंट हो, ऐसे ही इस तरह से। तो ध्यान रखें कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें केवल और केवल क्या मिलती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है इनमें, सो ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। क्या नहीं होता बच्चों, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, केवल होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो यहां पर जैसे इसका एग्जाम्पल लेना ये है, तो इसके ये दो आप दे रहे हैं मिरर इमेज बन जाएंगे इस तरह से, एक ये और एक ये दोनों सुपरइम्पोजेबल हैं, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है एक दूसरे के अपोजिट फेस में है, समझ गए ना, तो इस तरह से ये सुपरइम्पोजेबल नहीं है। और ध्यान रखें इन जितने भी ये लिखे हैं मैंने फॉर्मूला, इन सब के दो दो आइसोमर्स होंगे और दोनों क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो समझ गए आप पहली कंडीशन कि इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखे हैं जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हैं तीनों, अब चाहे तीनों एक से हो, दो एक से हो, दो एक से हो, आपको ध्यान रखना है इनका ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, केवल ऑप्टिकल होगा। और इनके पूछ लिए जाए टोटल आइसोमर्स तो वो कितने होंगे बच्चों, टू, और इनान्शोमेरिक पेयर आपसे पूछ ले तो वो कितना होगा, वन। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरा पॉइंट। अब हमारे पास है MAB3 टाइप का, तो MAB3 टाइप के में मैंने कल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बताई है और ऑप्टिकल तो हो गई ही होगी। तीनों बाइडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हों तो ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगी, चाहे वो AA टाइप का हो या AB टाइप का। AA टाइप में अगर इस तरह से है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होती, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल भी है ऑप्टिकल भी है। इसका एग्जांपल जैसे मान लो COGLY होता है, AB समझ गए हो कि दोनों बाइडेंटेट अलग-अलग एटम्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो टू टाइप्स के मैंने बहुत सारे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए थे, लेकिन वो सब आइडेंटिकल थे, केवल दो ही इनमें क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, जिनमें से एक है AA AB A। और अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा है, AB 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 टाइप का, तो एक इसका मिरर इमेज, एक इसका मिरर इमेज, तो कुल मिला के हमारे पास टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, फोर। एक ये है तो एक ये है, एक ये है एक ये। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं बच्चों, टू। ये क्या है दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये इनके क्या है मिरर इमेज, तो दोनों मिलके हो गए टोटल कितने हमारे पास, चार। चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मींस इनमें प्रकाश को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है। अब आपसे पूछने जाए कि इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, तो चारों ऑप्टिकल एक्टिव है, समझ गए ना। ये जो है जैसे ये दोनों है, दोनों क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, तो इसमें फोर के फोर क्या है बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव, समझ गए ना। तो इस तरह से यहां तक आप समझ गए, इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है कि टू बाइडेंटेट प्लस टू मोनोडेंटेट, इस तरह के लिगेंड्स हो और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो कब ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कब नहीं। तो देखो ये पॉइंट याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, विद या हैविंग टू बाइडेंटेट लिगेंड्स इन परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, ओके, कि परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑलवेज एग्जिबिटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चाहे वो दोनों डोनर एटम सेम वाले हो, AA टाइप का या AB। इतना सा ध्यान रखना है कि अगर उसमें दो बाइडेंटेट परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन है
तो वो क्या होंगे, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। समझिए बच्चों कि जब अष्टफलकी संकुल में दो द्विदंतुक लिगैंड हो और तल के लंबवत हो तो वो हमेशा प्रकाशिक समवयवता दर्शाएगा, जबकि तीन हो तो हमेशा ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब देखो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है MAA2B2 टाइप का CoEn होल ट्वाइस Cl। अब इसने आपसे पूछा जाए कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, समझ गए ना? तो अगर हम इसमें देखें CoEn होल ट्वाइस Cl2 तो एक तो ये बना, तो ये जो है बच्चों आप देखोगे ये एक POS दिख रहा है इसमें, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें POS, तो ये और इसका मिरर इमेज यही होगा जो ये बना हुआ है, बिल्कुल सुपर इम्पोजिबल होगा, चाहे यू रख के पर देख लो मिरर इमेज चाहे ऐसे। तो ऐसा जो कंपाउंड है ये कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर ये है तो आप इधर ये मिरर इमेज देखोगे तो ये नीचे दिखेगा तो ये प्लेन के ऊपर दिखेगा, मतलब एक नीचे है तो एक ऊपर है, तब ऐसे में इसका मिरर इमेज एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा और ऐसा आइसोमर क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो इस तरह से टोटल जी आई तो है टू, एक ये है और एक ये है, ये कौन सा जी आई है ट्रांस और ये कौन सा जी आई है बच्चों सिस, उसी का ये मिरर इमेज। तो जी आई है टू मिरर इमेज एक, तो टोटल हो गए थ्री। एक तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, कौन सा फॉर्म जो देखा आपने ट्रांस, ठीक है, जबकि दो ऑप्टिकल एक्टिव है। और अगर आपसे कहा जाए कि एनसोमेरिक पेयर कितना है तो वो कितना है वन, यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरह से। अब एक क्वेश्चन होता है कि CO NH3 होल 4 और Cl2 में कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो देखो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हो नहीं सकती मगर ज्योमेट्रिकल हो सकती है, इसमें सिस और ट्रांस होंगे तो इसके कितने होंगे दो, जबकि इसमें अगर हम EN लगाते हैं बाइडेंटिव तो हम देख रहे हैं तीन हो गए। ओके यहां तक समझ गए। अब मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया गया हो A2 और BC टाइप का, जैसे यहां पर मैं लगा दूं, अब क्या BR, ओके 1+, तो बस इसमें आप यहां BR लगा दें ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, बट यहां पर अगर हम BR यहां लगा दें ठीक है और यहां पर BR लगा दें तो ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, ऐसे में इसके भी इतने ही आइसोमर्स बनेंगे। तो चाहे MAA2B2 टाइप का हो या MAA2BC टाइप का, इन दोनों के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2-2 हैं और टोटल है 3-3, ठीक है, जिनमें से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव था तो उसका एक मिरर इमेज हो गया, टोटल दोनों के कितने हो गए 3-3। तो यहां तक समझ गए आप इसे। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं हमारे पास है MAB2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, ओके जैसे कि ये है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वैसे मैंने कल पूरे बना के बताए हैं, उनमें से जो सेट पॉसिबल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो इस तरह से, एक सेट ये है एक सेट ये, ओके ये है AB AB BB टाइप का, AB AB BB टाइप का, और एक ये है AA BB BB। इसमें देखोगे आप इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, तो ध्यान रखें कि ये दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, क्यों, क्योंकि ये इस पर सुपर इम्पोजिबल होगा। ध्यान रखें कि अगर इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल सेम ग्रुप आ गए कि एक सेट भी सेम हो गया, देख रहे हैं आप यहां BB सेम हो गया है यहां BB सेम हो गया है, तो मैंने आपको बताया था कि एक सेट सेम हुआ इसका मतलब है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और वैसे भी आप देख लो इसका मिरर इमेज ये है और ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये दोनों फॉर्म जो है हमारे पास ये कहलाएगा, मान लो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो ये दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ये है हमारे पास कुल और पॉसिबल सेट्स, ठीक है, मैंने बी को ऐसे रख दिया 90 डिग्री पर और फिर इनका सेट निकाला AB, ठीक है AB, ये हो गया AB, फिर AB और BB एक सेट, जस्ट ऐसा देखो आप AA BB और BB, दूसरा सेट यहां पर आ जाए BB AB AB, चौथा सेट अगर आप देखें तो ये सेट और ये सेट सेम है,
तो हम यहां पर ये है तीसरा, ये है चौथा और ये क्या है पांचवा, ये हमारा तीसरा ही है आइडेंटिकल है, तो हम इससे अलग रखेंगे, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं क्योंकि वो इसका आइडेंटिकल है। तो तीन ये है। अब मैंने अभी आपको एक रूल बताया है कि बाइडेंटेट लिगेंड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये दिख रहे हैं ठीक है, या फिर इस तरह से यहां और यहां हो, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बाइडेंटेट लिगेंड दो बार है और इस तरह से, चाहे वो ए ए टाइप के हो या बी बी टाइप के, अगर वो इस तरह से पोजीशन में आ जाते हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये जो आइसोमर्स हैं ये तीनों, ये क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब ये तीनों के तीनों यहां से लेके यहां तक ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल एक्टिव, समझ गए ना। तो टोटल जीआई थे 5, इनमें से 2 जीआई तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है और 3 क्या है, 3 ऑप्टिकल एक्टिव और 3 इनके मिरर इमेज हो गए, तो ये कितने हो गए 6। तो टोटल आइसोमर्स हो गए 6, तो हो गए ऑप्टिकल एक्टिव और 2 हो गए ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो कितने हो गए 8, मतलब GI 3 ऑप्टिकल एक्टिव है जो मैंने अभी आपको बता दिया, जबकि GI यहां पर 3 जो है ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उनके हो गए 6 और 2 जो ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल कितने हो गए 8। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कितने ऑप्टिकल एक्टिव और कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव तो है हमारे पास 2 और ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं 6, क्योंकि हर एक का मिरर इमेज और उसका ओरिजिनल फॉर्म दोनों तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसके कितने आइसोमर्स बन गए बच्चों, 8 टोटल, अगर आपसे पूछ लिया जाए। जीआई 5 है ठीक है, और उनमें से 3 जो है जीआई वो ऑप्टिकल एक्टिव थे, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है एबी टू बीसी टाइप का। एबी टू बीसी टाइप के ये कुल मिलाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखे हैं, बाकी आप किसी भी अदर का कंफर्मेशन बना लें, वो सब इन्हीं में से किसी न किसी को रिपीट करेगा। टोटल जो इनके आइसोमर्स बनेंगे 19 बनेंगे, और आप उन सबको मिलाओगे तो आप देखोगे कि उनके कुछ ना कुछ आइडेंटिकल आएंगे, तो कुल मिलाकर ये 6 आइसोमर्स पॉसिबल है। अब आप देखो इसमें कि जो AB to BC है, इसका एक ये है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप देख रहे हैं कि मिरर इमेज U ऐसा है, मैं इसको U काट दूं तो यहां पर ये मिरर प्लेन दिख रहा है, ये POS है, क्या है बच्चों यहां पर POS, जस्ट ऐसा ही एक POS ये दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, तो ये जो कि इसको भी काटता हुआ जाएगा ये वाला प्लेन ऐसे, तो ये क्या है बच्चों इसमें POS, जस्ट ऐसा ही यहां देखो आप, ये है POS, ये क्या है इसका POS, तो ये दोनों जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। सेट क्या है AB, AB और BC, इसका क्या है AA, BB, BC, तो ये दोनों क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है। इनमें आ जाओ, अब BC को मैं यहां रख दूं, अभी हमने यहां पर रखा था, अब यहां रख दें, तो जब हम इनको BC को यहां रखेंगे तो एक सेट देखो ऐसे बना दो, AB को यहां फिक्स कर रखा है, मतलब A और B, B और A, यहां AB को फिक्स कर रखा है, तो दो तो ये बन गए जिसमें A को यहां फिक्स कर रखा है और इनकी पोजीशन चेंज कर दी है मैंने, और दो इसके पॉसिबल हो जाएंगे कि यहां AB और यहां BA, अब यहां B और यहां B कर दिया, तो कुल मिलाकर ये 4 आइसोमर्स ऐसे बने हैं जहां पर आप देख रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया है कि दो बाइडेंटेट लिगेंड और परपेंडिकुलर अगर आपने बना दिए तो वो ध्यान रखें वो हमेशा ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये जो 4 आइसोमर्स दिख रहे हैं ये सब के सब ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। इसका सेट देखो AB ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको AB BC, इसका सेट देखो आप क्या दिख रहा है आपको AC BB और AB, जस्ट ऐसा ही AA BC और ये है, ये 4 सेट कर रहे हैं, तो ये सब ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं। तो टोटल GI कितने दिख रहे हैं बच्चों 6, ऑप्टिकल एक्टिव इन 6 में से 2 क्या है इनएक्टिव है और 4 क्या है ऑप्टिकल एक्टिव है, इन 4 के मिरर इमेज हो गए 4, तो कुल टोटल आइसोमर्स कितने हो गए आपके पास 10। मैं कहूं एनसोमेरिक पेयर्स कितने हैं तो ये है 4, मैं ये कहूं कि ऑप्टिकल एक्टिव टोटल कितने हैं तो वो हो गए 8, ऑप्टिकल
इन एक्टिव कितने हो गए, दो, चार उस मिरर में, चार ओरिजिनल फॉर्म, तो ये तो अपनी कलेक्टिव ही होगी। तो कुल मिलाकर ये है, मैंने कल इसके आइसोमर्स आपको बनाने के लिए कहे थे कि आप तो बना के देख लेना, तो वो 5 बोल गया था, एक्चुअली कितने हैं इसके 6, समझ गए ना, इसके कितने ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए बच्चों, यहां पर 6 होते हैं। जबकि AB2 के टाइप के देखा था आपने, AB2 B2 के 5 थे, जबकि इसमें कितने हैं 6, ये ध्यान रखना। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स जैसे कि COGLY VOLT YCL BR, इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। तो ये कुल मिला के इसमें आपको बता दिया। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मोनोडेंट्रेट के लिए, और वन बाइडेंटेट, समझ गए बच्चों, और फोर क्या है मोनोडेंट्रेट, कि केवल एक बाइडेंटेट लेना है, चाहे वो ए टाइप का हो या बीबी टाइप, ए बी टाइप का, पहले हमने ए किया, तो ए बी टू सी टू, ये चार मोनोडेंटेट है और ये बाइडेंटेट है। तो देखो अरेंजमेंट ऐसा करना, ए और ए को ऐसा रखना, ध्यान रखें ए और ए केवल 90 डिग्री पर ही आ सकता है, या तो यहां 90 लगाओ या यहां 180 पर कभी नहीं आ सकता। तो यहां पर आपने लिया, बाकी बी और बी को ऐसा रखते हैं, सी और सी को यहां रखते हैं, फिर यहां पर आपने सी और सी को ऐसे रखा, बी और बी को, और फिर यहां पर बी और सी और ये रखा, और मान लो ऐसा बना दे हम इसमें 90 ले लें, यहां पर ए और ए उठा के, तो एक ये पॉसिबल है। अब हम ये देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कौन-कौन से ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन आइडेंटिकल है, कौन एक्टिव है। देखो अगर आप इसमें देखें, मैंने आपको बताया था कि एक भी सेट अगर सेम पेयर आ गया लिगेंड्स का, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और वैसे भी इसमें आप देख लो कि अगर आप इसका मिरर इमेज में नीचे ऐसा मिरर रख के, तो बिल्कुल सेम यही बना दिखेगा, इसका मिरर इमेज तो यही दिखेगा, तो ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ गए ना। अब इसमें आ जाए तो ये तीनों सेट बच्चों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, इसमें कहीं से भी मिरर इमेज नहीं बन सकता जो इस पे सुपर इंपोजिबल हो। अगर हम इसको देखें तो वो इसी का, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, AB AC BC, इसमें भी वही आ रहा है AB AC BC, तो ये और ये तो आइडेंटिकल है, बट इनमें से एक ही लेंगे, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो कुल मिलाकर GI कितने बने हैं, 3, दो ऑप्टिकल, ठीक है, 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव है, पहला और दूसरा आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और 1 क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, ध्यान रखें 3 इतने ही लेंगे, चाहे इसको ले ले 2 ये, या ये इसको 2 ये। तो GI हमारे पास 2 थे और एक है मिरर इमेज, तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए बच्चों, आइसोमर्स कितने हो गए, 3, 2 तो ऑप्टिकल। अब अगर ये कहा जाए कि इनमें से कितने ऑप्टिकल हैं, तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव मैंने पूछ लिया तो कितने हो जाएंगे, 2, और ऑप्टिकल इनएक्टिव लिया जाए तो 1। अब मान लो मैंने कहा इनान्शियोमेरिक पेयर कितना है, तो 1, एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है तो उसका एक पेयर बन जाएगा ना, पूरा मिरर इमेज है, तो पेयर कितना हुआ हमारे पास, इनान्शियोमेरिक पेयर कितना हुआ, 1। तो कुल मिला के आपको ये है इसके लिए, जबकि 1 बाइडेंटेट और 4 मोनोडेंटेट। अभी हमने लिया है AA टाइप का, अब हम AB टाइप का लेके भी देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इस तरह से AB B2 C टाइप का, ओके। तो इसमें अगर आप AB को फिक्स करके एक बार B और B रख दें, एक बार C और C को ऐसा रख दें, फिर ए बी को फिक्स रख के यहां पर सी रखें, फिर इसको पलट दें, बाकी इसके अलावा कोई भी कॉन्फर्मेशन बना लो या कोई भी इसका आइसोमर बना लो, इन्हीं का आइडेंटिकल ही होगा। तो कुल मिलाकर ये कितने पॉसिबल हो गए, हम टोटल जी आई हमारे पास कितने पॉसिबल हो गए, 4। अब इनमें से देखो ऑप्टिकल एक्टिव कितने, यहां से यहां तक ये जो है दोनों में, मैंने कहा ना एक से ग्रुप अगर आ गए तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बट ये देखो आप, इनके पूरा सेट ही अलग है, तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव।
तो टोटल जी आई कितने हैं, देखो जी आई कितने हैं 4। ऑप्टिकल एक्टिव देखें आप तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं 2, और ऑप्टिकल इनएक्टिव देखें तो वो कितने हैं 2। ओके, तो यहां पर इस तरह से है। अब हम यहां आ जाते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव, यह हम यहां पे 2 मिनट और रुके हैं अभी। ऑप्टिकल एक्टिव हो गए 2, मिरर इमेज इसी के जोड़ दें हम, मिरर इमेज तो ये हो गए 2, और ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें तो ये हो गए 2। टोटल अगर आप देखें तो ये कितने हो गए 6। मैं कहूं टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं तो ये है 4। टोटल ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं तो इनान्शुमेरिक पेयर पूछ लिए जाए कि इनान्शुमेरिक पेयर्स तो ये कितने हैं बच्चों, तो यहां तक बात समझ लेगा तो आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम इस तरह से आ जाते हैं MAA B3C, तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स मैंने बना दिए। देखो एक बार B और B को यहां रख दिया, A और A की पोजीशन फिक्स कर रखी, ठीक है, यहां पर A A को रख, फिर यहां पर B और C को बदल दिया, बस ये सेम है, ये सेम है B और C। तीसरी कंडीशन में हमने A को यहां रख दिया, A A को। अब ऐसे में तीन हो सकते हैं, B B B B B C, फिर B C B, समझ गए ना। अब मैं ये इनके आइसोमर्स अगर हम देखें, और कोई पॉसिबल है, देखो आप एक और बना लो आप इसमें, एक ऐसा बना देते हैं, यहां A यहां A, ठीक है, यहां B यहां B यहां B और यहां पे C, इसका भी सेट निकाल लेते हैं हम, देखते हैं इसमें क्या सेट बनता है। यहां पर ये हो गया, अब मान लो इसका सेट आप देखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, BC AC, यहां ऐसे ले लो, A कहां कहां आ रहा है, देखो दो है, तीन भी है ना, और एक C और दो A। ओके, तो पहला आ गया AB, एक और आ गया AB, और एक हो गया BC। ओके, ऐसा कोई सेट दिख रहा है आपको यहां पर, AB AB BC AB AB BC, ओके, AB AB BC, तो ये आइडेंटिकल हो गए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे हटा सकते हैं क्योंकि AB AB और ये है BC, तो इसको आइडेंटिकल फॉर्म। अब हम यहां आ जाते हैं कौन ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ओके, तो देखो बच्चों इसकी बात करें तो AA AB BB, और मैं कहूं कि क्या इसमें मिरर इमेज हो सकती है, ये मतलब इसमें जो है, तो देखो ये और ये अपोजिट है, इसलिए इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा, बिल्कुल सही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। इसमें अगर आपसे कहा जाए कि मिरर प्लेन है कि नहीं, तो यहां से है, ठीक है, जो कि ऐसे इसको भी काटेगा और इसको भी काटता हुआ निकलेगा, तो ये मिरर भी हुआ ऐसे। ओके, ए बी ए बी बी सी, समझ रहे ना कि यहां पर इस तरह से मैं पहले पूरा मिटा दूं, ये बना दूं जैसा था तैसा बना हुआ था, जो हमारे पास ये था इसका स्ट्रक्चर, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इसमें एक मिरर प्लेन है पीओएस, जो कि कहां से जा रहा है, यहां से, जो कि इसको भी ब्रेक कर लेगा, समझ गए ना, मतलब ये ऐसे चलेगा, यू है तो हम बी को काटते हुए चलेंगे, ऐसे आएगा, फिर यहां आ, तो ये दोनों अभी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, यहां पर आ जाए हम, अगर आप इस इमेज को देखें, ए बी ए बी बी सी है, तो इसमें कहीं मिरर इमेज बन रही है, सॉरी इसमें कहीं मिरर प्लेन या कहीं की पीओएस बन रहा है, देखो आप कहीं नहीं, ना तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, इसमें आ जाओ, अगर आप इसमें देखें, ठीक है, तो एक देखो, एक यहां से ले लें ऐसे, ये वाला पीओएस है जो कि ए ए को काटेगा और बी सी को, तो यहां और यहां एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, और वैसे भी बी बी से
आगे एक तरफ। तो यहां पर कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इसी बेस पर आप पहचान सकते हैं। अब इसमें आ जाओ आपके पास ये वाला जो फॉर्म बना हुआ है, ओके, तो इसमें आपके पास वही फिर आ जाएगा यहां पर इस तरह से, ये वाला मेरा POX। तो अब आपके पास टोटल आइसोमर्स देखो, और इसमें कोई मिल तो नहीं रहा है ना, देखो ए बी ए बी ए ए सी बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए सी बी बी, ओके नाउ। अब हम यहां देखें तो देखो ये जो है ये कैसा हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव, ओके। यहां पर आ जाओ आपके पास ये जो था आपका ये वाला, ये कैसा है ऑप्टिकल एक्टिव, बाकी ये दोनों कैसे हैं बच्चों ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ये सारे सेट्स अलग अलग हैं, ए बी ए बी बी सी ए बी ए बी 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 ए बी ए सी बी बी ए बी ए बी बी सी ए बी ए बी बी सी। तो ध्यान से देखें कि यहां पर ए बी ए बी बी सी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि इनमें एक्टिव भी हो सकते हैं इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये दोनों भले आइडेंटिकल हैं बट ये इसका ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जी आई तो कितने हैं बच्चों, फोर, क्योंकि ये और ये तो क्या है ए बी ए बी बी सी आइडेंटिकल है, तो हमारे इसके टोटल ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो हो गए कितने, ऑप्टिकल एक्टिव देखो आप ऑप्टिकल एक्टिव कितना है वन, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो चार जी आई जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है और एक ये जो ऑप्टिकल ये फॉर्म है ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, ये हो गए टोटल मिला के कितने हो जाएंगे सिक्स, चार तो ये हो गए, और ये जो पांचवा है ये इसी का आइडेंटिकल है बट ये इस स्टेट में अगर आप देखें तो कैसा होगा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास तो चार ये और दो इसके कितने हो गए छह, तो इसको बना। अब देखो बच्चों इसमें आ जाते हैं, ये है ए बी बी थ्री सी टाइप का, ओके। अगर हम इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी को फिक्स कर रखा है, हम इसे 90 में ही लें चाहे यहां ले चाहे बी वैल्यू पर, तो अगर हम इसके कंफर्मेशन को देखें कि कितने आइसोमर्स हैं, तो देखो ए बी यहां रख के बी और बी, फिर इसको पलट दिया बाकी सी, फिर ये ए बी की यहां सी कर दिया यहां सी कर दिया, कुल मिला इसमें ये बी बी आ रहा है ये बी बी आ रहा है, तो ये तो क्या होंगे बच्चों सुपरइम्पोजिबल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि अगर आप यू मेरा देखें तो ये बिल्कुल सेम यही दिखेगा जैसा ये इसमें आ रहा है, तो ये ए बी 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 सी बिल्कुल तीनों सेट अलग हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है। अगर आप इसको देखें तो यही है ये ए बी 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 सी, तो ये और ये तो आइडेंटिकल हो गए, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो जी आई हमारे पास हो गए थ्री, ठीक है। कल मैंने इसका शायद गलती से फोर निकाले थे, वो एक सेट डबल हो गया है, आप उसमें देखोगे जी आई जब मैंने निकाल के बताए हैं तो उसमें जो तीन सेट बनाए हैं और जो चौथा सेट बनाया था वो इसी एक का रिपीटेशन हो गया था, इसलिए टोटल जी आई तीन ही होंगे उसमें, समझ गए आप कि जी आई कितने हैं वहां पर तीन। अब यहां पर देखो कि जो टू है टू ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ये कितने हो गए और ऑप्टिकल एक्टिव कितना है वन, मिरर इमेज अगर आप इसका ले लें तो वन, तो टोटल कितने हो गए बच्चों फोर, तो इसके कितने हो जाएंगे टोटल फोर। अब देखो बच्चों जस्ट ऐसा ही एक एग्जांपल ये है कॉम्प्लेक्स का एम ए बी सी डी ई एफ, हमने देखा था इसके जी आई कितने होते हैं आठ, और आठों के आठ ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16, हर एक का एक ही मिरर इमेज है। एम ए बी इसमें देखा तो इसके चार जी आई होंगे और ऑप्टिकल एक्टिव है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आठ, आठ तो ओरिजिनल और आठ उनके मिरर इमेज।
अब मैं कुछ और चीजें बता दूं काम की, जैसे COEN बोल्ड वाइज BR2CN, इसके GI कितने होंगे बच्चों? दो, ठीक है। एक तो ये बन, दो में से एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा उसका और एक उसका मिरर इमेज, तो दो ये हो गए और ऑप्टिकल इनएक्टिव, कुल मिला के कितने हो गए? तीन। इसमें आयनाइजेशन आइसोपैरेज में है, हम BR को बाहर कर दें तो फिर इसके दो GI हो जाएंगे, इस तरह से इसके भी तीन हो जाएंगे, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? सिक्स। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके टोटल आइसोमर्स बताएं कितने होंगे, तो ध्यान रखें इनमें टोटल कितने हो गए? सिक्स। समझ गए ना इस तरह से, तो ये तीन इसके तीन इसके। अब यहां आ जाओ, इसमें पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी आइसोमेरिज दिखती है, तो देखो अगर आप इसमें देखें तो ज्योमेट्रिकल भी होगी, ठीक है। दूसरा है लिंकेज, क्योंकि NO2 है, O के थ्रू जुड़ सकता है, N के थ्रू जुड़ सकता है, और NO2 और Cl के बीच में इंटरचेंजिंग हो सकती है, तो लिंकेज भी है, आयनाइजेशन भी है और ज्योमेट्रिकल भी है, ओके। इसमें आ जाओ, इस कॉम्प्लेक्स में देखो तो इसमें ज्योमेट्रिकल भी है और ऑप्टिकल, ये हमने एग्जाम्पल देख के समझ चुके हैं, AA2B2 टाइप का। MABCD नो स्क्वायर प्लैनर होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए अगर ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है तो GI कितने होंगे? तो कोई GI नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लैनर में GI नहीं होता। अगर ये टेट्राहाइड्रल होता तो उसमें क्या आ जाता? ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है। तो स्क्वायर प्लैनर क्या लिखा है? ABCD स्क्वायर प्लैनर है, नो ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। तो GI कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे तीन, और ये पढ़ा भी अपन ABCD टाइप का हो, और ये है, और अगर यही क्या है टेट्राहेड्रल है तो GI में पूछता तो कितना होना था? जीरो, क्योंकि टेट्राहेड्रल में नहीं हो सकता। इसमें आ जाओ आप, इन तीनों में आप देखोगे कि ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तीनों, इनमें कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बने, इसमें तीनों है, दो है एक है, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है। तो यहां तक बात समझ गए, और ये जो है इनमें NIENCL2 नो एनी आइसोमेरिज्म। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको, ये तो मैंने सिंपली से बताया, आप नोट्स में देखेंगे, आप एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने टोटल जो आइसोमेरिज्म है उसको डिटेल में बताया है, एक एक पॉइंट बताया है, आप इनको एक बार देखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, अब कोई दिक्कत नहीं आई, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरीज, एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।